अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बाबा गनूश। बाबा गनूश भी कहते हैं, इसे मुतब्बल भी बोलते हैं अरबी में। ये अरबी डिश है। इसके अंदर हम बैंगन को जलाएंगे। मेरे पास तकरीबन 5 से 6 बैंगन हैं। इन सबको हमने जला लेना है। जैसे हम भरते के लिए बैंगन तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनका छिलका उतारना है। फिर हमें जो बैंगन अंदर से निकलेगा वो चाहिए। बाकी रेसिपी हम आपको बाद में बताते हैं। और मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो यानी मेरे घर का एक सादा सा खाना आपके घर तक आता रहे। इसमें आपको बाजार से चीज़ों की जरूरत शायद बहुत ही कम पड़ेगी। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। आगे आपको रेसिपी देते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला थोड़े से बैंगन रेडी कर लें पहले। अच्छा, ये बाबा गनूश की तैयारी हम कर रहे हैं जिसे मुतब्बल बोलते हैं। बैंगन हमने जला के अंदर से गुदा निकाल के डाल दिया, जिसमें हम नमक शामिल कर रहे हैं 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का क्रश लहसुन 1 चम्मच, लेमन जूस। अब हम इसको चॉपराइज करते हैं। तहीनी पेस्ट है जो आराम से किसी भी अच्छे स्टोर पे मिलता है, 350 तक बोतल है। और ये 5 से 6 दफ़ा यूज होता है। ये हम तकरीबन 3 या 2.5 चम्मच भर के डालेंगे। वैसे भी आप तिल लेके ना ऑयल में गर्म करके उन्हें रोस्ट करके हल्का सा सूखे रोस्ट करके और फिर उसे ब्लेंड करके ना जैतून के ऑयल में बना सकते हैं। ये 2.5 चम्मच हो गया। आप इसे ब्लेंडर चलाते हैं। टेस्ट चेक किया, अभी इसमें तकरीबन और जाएगा क्योंकि 4 टेबलस्पून तहीनी इसमें गया और काफ़ी गर्म होता है, लेकिन इसका टेस्ट इसी का आएगा। इसमें लेमन जूस किया है, इसमें 4 से 5 लेमन का। ऑयल वेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच। अच्छा देखिए, बाबा गनूश तैयार है। इसको हम ऑलिव के साथ ऊपर से डिकोर किए हैं। ऑलिव का ऑयल अंदर डाला है, ऊपर डाला है, मैं सिर्फ नमक डाला है, कोई टेस्ट और नहीं है। बाकी रेसिपी आप लोगों के सामने है। लेमन जूस है इसके अंदर और तहीनी है और नमक है और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। और जैसे बिगारे बैंगनों को बिगाड़ने के लिए या भरते के लिए जलाते हैं उसी तरह जला के ये बनाया, छिलके उतार दिए थे, बैंगन अंदर से निकाला है। 4 से 5 टेबल स्पून इसमें तहीनी पेस्ट है, 1/2 टीस्पून नमक है और 1/2 टीस्पून इसके अंदर तकरीबन गार्लिक है पेस्ट